यशदानन्दना व्रजनरञ्जन यशदानन्दना यशोदा यशदानन्दना व्रज यशोदा यमुनातीरा वनचि यमुना तीरा यमुनतीरा वनचारि यमुनातिरा वनचारि कुञ्जविहारी ल राज राधा माधविहारी ल रा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Rama Rama राम हरे हरे रे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे आरे राम हरे राम राम Hare हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम हरे राम Hare Hare हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे hare hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare krishna. रे जय गौरय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिता जय जय प्रभुपा 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 जय प्रभुपा जय ओम विष्णुपाद परमहंस पिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती अभय भक्ति वेदांत स्वामी प्रोपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सीवीर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रोपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रोपाद की अनंत कोटि ठाकुरशिलोपादकी की नामचारीशल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु श्री, श्री अद्वैत गदाधर की श्री, श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्यामकुंड राधाकुंडगिराजगोवधन की श्री वृंदावन धाम की मथुरा पुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम की धाम की गंगमय्या की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती महारानी की महाराणिकी समेतगौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम निताय गौर प्रेमानंदे

ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय छे श्लोक संख्या पच्चीस से हालाँकि हमारा विषय कृतज्ञता के ऊपर है तो ये श्लोक उससे संबंधित है हमने लिखा नहीं है बोर्ड पे, मैं ही उद्धृत करता हूँ उसको एकता उपर लिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मता महीयसे शीर्षणावनाम विदधे अनुकंपिता अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपाशी मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपात के द्वारा तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितान्त आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया तात्पर्य यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है इसी प्रकार भगवदगीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है ओम ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् विष्णवांश्च सागर जाता सह गणुनाथन्व तम सजीव साद्वैत सवधूत परीजनासह कृष्ण चैतन्यदेव सहगणा ललिता श्री विशाखान्वता नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्यना गौरत्षे नमः हे कृष्णा करुस सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका का राधाका नमस्तु ते तकन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानो सुवी प्रणमा हरिप्रिय छाकुभ्य कृपासीधुभ्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंदियदता श्री गदाधर श्रीवास आदि आदिगौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा रविवार के इस कालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस सेवा के लिए मैं सभी भक्तों का बड़ा कृतज्ञ हूँ क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कृतज्ञता इस विषय के ऊपर तो कृतज्ञ कृत यानी कार्य जो किए है ज्ञ यानी जानने वाला यानी दूसरों के द्वारा मेरे जीवन में जो कुछ मुझे मदद की गई है जिसके द्वारा मैं आज इस थर पे हूँ तो उसको कृतज्ञता कहते हैं इसके विरोध में है कृतघ्न जो उसके लिए जो भी कुछ अच्छा किया गया है वो सब भूल जाए तो वो कृतज्ञ कहलाया जाता है और फिर वो बार बार कोसता रहता है कि क्या किया इन लोगों ने मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं मदद तो वो कृतज्ञता नहीं होना चाहिए भक्ति में कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है शिल प्रभुपाद श्री उपनिषद श्री ईशोपनिषद के श्री भक्ति नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं उपदेशामृत में पहले ही परिचय में कि एक जो साधक होता है उसका प्रगति का लक्षण है उसकी जो भाव होता है एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर जो प्रगति है ये भाव के ऊपर है तो बहुत सारे भाव है लेकिन उसमें कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है सेवा भाव होना चाहिए लेकिन सेवा भी कृतज्ञता पूर्ण करना चाहिए नहीं तो ऐसे क्या इन्होंने मुझे ही सेवा दिया कोई और पकड़ा नहीं मुझे ही पकड़ा तो ये ठीक नहीं है तो कृतज्ञता का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसके द्वारा हृदय सॉफ्ट बनता है मुलायम बनता है जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है जब हमारा हृदय मक्खन जैसा मुलायम बन जाए तब वो माखन चोर कृष्ण भगवान आएंगे और उसको चोरी कर लेंगे लेकिन जब तक ये कृतज्ञता नहीं है तो तब तक हार्ट जो है हृदय वो हार्ड रहेगा क्योंकि उसमें भौतिक इच्छाएँ है और वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो इस संसार में पूरी तरह से तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दुखालयम कैसे रहेगा फिर तो दुखालयम यानी नहीं होगी और इसके लिए हम बाकी भक्तों को कोसेंगे जरूर लेकिन वो जरूरी नहीं वो अच्छा नहीं है क्योंकि उसके द्वारा हृदय हार्ट वो हार्ड बन जाएगा कठोर बन जाएगा तो इससे बचना है हर किसी को तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कृतज्ञ रहे तो मैं श्रीमान राम सेवक प्रो का बड़ा कृतज्ञ हूँ क्योंकि मुझे एक मैंने एक कहानी पढ़ी थी हैदराबाद में दो तीन साल पहले तो वो कहाँ से है मुझे पता नहीं थी तो उन्होंने मेरे लिए ढूंढ के निकाला इंटरनेट से दो साल दो घंटा उन्होंने उसके लिए मेहनत किया तो वो कहानी इस तरह से है कि एक एंड्रोकल्स करके एक गुलाम था एक मास्टर एक, एक स्वामी के अंतर्गत तो वो कैसे तो करके वहाँ से भाग गया क्योंकि इतने सारे अत्याचार होते हैं तो वो वहाँ से भाग गया तो भागते भागते वो जंगल में पहुँच गए तो बेचारा कुछ खाया नहीं पिया नहीं तो बहुत कमज़ोर हो गया था वहीं से गिर गया वो लेकिन बाजू से ही जोर से धाड़ उसको सुनाई दी एक सिम की तो वो डर गया अंदर से है ना ये तो मैं दौड़ने के लिए भी सक्षम नहीं हूँ और ये सिम धाड़ रहा है कहीं मेरी तरफ आ गया तो और ज़रूर वही हुआ थोड़े समय में वो सिम उसने देखा कि उसकी तरफ ही आ रहा है तो और डर गया मैं तो भाग भी नहीं सकता क्योंकि बहुत कमज़ोर हूँ तो उन्होंने देखा एक अजीब सी चीज़ उसमें कि वो जो सिम था वो तीन पैरों के ऊपर कैसे तो लंगड़ा कर आ रहा था और उसका जो जो दाइना ये है पॉ उसका जो हाथ है वो ऐसे ऐसे करके वो आ रहा था तो वो भी समझा नहीं क्या है तो एकदम पास में आया उसके तो वो ऐसे ही था और वो खा नहीं रहा था उसको तो वो एंड्रोकोल्स अच्छरचकित हो गया ये क्या है तो उसने ध्यान से देखा कि ये रो भी रहा है ये सिम तो उसका कारण था उसका जो पौ जो है हाँ पंजा तो उसमें एक कांटा घुस गया था बहुत और उससे खून निकल रहा था वो सूजन भी आई हुई थी और बेचारा रो भी रहा था तो ये देखकर फिर उन्होंने उसको पकड़ा उसके पाँव को और फिर जोर से उस कांटे को खींच निकाला बाहर तो वो सिमन ने बड़ा धाड़ा वो जोर से क्योंकि उसको तकलीफ़ हुई लेकिन फिर उसको राहत भी आ गई तो बहुत प्रसन्न हो गया वो और बहुत खुश हो गया इस व्यक्ति से एंड्रोकल से तो फिर उसने देखा कि ये बहुत कमज़ोर है ये उड़ भी नहीं पा रहा है तो उसने जो शिकार की थी एक हिरण की तो उसने उसको खींच के लाया इधर इसकी तरफ और इसको दे दी अर्थात भक्त नहीं खाते ऐसे सब चीज़ें लेकिन वो तो गुलाम था शूद्र परिवार से तो उसने ले लिया उसको तो कुछ दिन ऐसे बीत गए वो उसके लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहा था योगक्षेम वहाँ में तो ऐसा कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक दिन वहाँ पुलिस वगैरह आ गए सब सैनिक आ गए और इसको पकड़ के लेके गए क्योंकि राजा के पास गया था उसका स्वामी और तकरार किया था कि मेरा ये भाग गया तो राजा के सैनिक आके उसको लेके गए राजा के सामने उसकी सुनाई हुई राजा ने बोला इसको मार डालो कैसे मारेंगे इसको सबके सामने भरी जनता के सामने एक खेल होता था इस व्यक्ति को पूरे प्रांगण में जो भी चोर वगैरह उचक के हैं उनको सामने रखते थे और सिम आके उसको खा जाएगा तो फिर उसको रखा उधर और सब देख रहे थे सब अपना खाना पीना कर रहे थे और देख भी रहे थे मजा लूटने के लिए राजा भी बैठा था उच्च आसन पे तो जैसे ही दरवाजा ये खड़ा था एंड उधर बैठा था और उधर दरवाजे खुल गए और सिम जोर से आया दौड़ते दौड़ते आया और इसके पास आके एकदम रुक गया और इसको देखता रह गया और उसको चाटने लगे वो तो सब एकदम चकित हो गए ये क्या है ना तो फिर राजा ने पूछा उसको ये क्या है बोले ये सिम वही है जिसको मैंने उसने सब वृत्तान्त बताया कैसे ये जंगल में कांटे के द्वारा पीड़ित था तो मैंने इसका कांटा निकाला और मुझे मदद कर रहा था अगर तो आज वही अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है इस तरीके से है ना तो उसने खाया नहीं उसको बिल्कुल तो ये देखकर राजा भी बड़ा आच्चर्यचे थोड़ा अच्छा लगा उसको तो उसने ये सिम को भी छोड़ दिया और गुलाम को भी छोड़ दिया दोनों मुक्त हो गए इस तरह से लेकिन इसके विपरीत शिल प्रभावान हमें एक कथा बताते हैं हम सब जानते हैं कि कैसे एक चूहा था जो इधर उधर भागता था तो उसके पीछे बिल्ली पड़ती थी तो बड़ा बेचारा भाग के इधर उधर जाता था तो देखा कि ये तो रोज की समस्या है तो गया एक साधु के पास और वो साधु साधु महाराज कृपया मुझे मदद कीजिए क्या हुआ एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही है तो फिर तो मुझे बिल्ली बना दो काम खत्म यानी झगड़ा खत्म यानी समस्या खत्म तो फिर उनको बोला ठीक है बिल्ली बन जाओ तो बिल्ली जैसे बन गया तो ये सब चूहों के पीछे भागने लग गया देखते हैं हम कैसे स्वभाव होता है तो जैसे लेकिन थोड़े समय के बाद थोड़े दिनों के बाद एक कुत्ता आया वाह 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 एकदम डर गया ये क्या है भाई ये बड़ा एनिमल बड़ा जानवर तो डर गया फिर से साधु महाराज मारा, साधु महाराज क्या हुआ अरे ये कुत्ता मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं तो फिर क्या चाहिए कुत्ता बना दो ठीक है कुत्ता बन जाओ तो कुत्ता बन गया वो फिर बिल्लियों के पीछे भागने लग गया तो थोड़े समय के बाद देखा तो एक सिम आ गया उधर तो सिम दहाड़ा उसके सामने दौर से भाग के आ गया बोले साधु महाराज साधु महाराज अभी क्या अभी सिम तकलीफ दे रहे हैं तो फिर क्या सिम बना दो ठीक है सिम्ह बन गए तो जैसे सिम्भ बन गया तो आपने जीवा से चाटने लग गया और बोला महाप्रसाद दे गोविंद है ना बोले क्या बोले तुम्हें ही खाना चाहता हूँ बोले अच्छा हमारी बिल्ली हमसे मैं आओ या हमारा सिम हम पे धाड़े तो फिर बोला पुनर्मुष्टि का भव तुम फिर से बन जाओ एक चूहा तो फिर से वो चूहा बन गया चू 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 करके अंडरग्राउंड है ना तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभुपाज कथा से क्या बताते हैं जो कृतघ्न है है ना तो ये बड़ा अच्छा नहीं है कि इसके कारण फिर हम जो प्रगति किए हैं प्रगति करता है व्यक्ति किसी भी स्तर पे वो करता है कृतज्ञता के का कारण भौतिक स्तर में भी कृतज्ञता होती है जो भी कुछ क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहते हैं वो जो बड़े बड़े क्रिकेट के जो है बड़े आदमी जैसे सचिन तेंदुलकर वगैरह उनका फ़ोटो रखते हैं उनका गुणगान करते हैं वगैरह उनके बड़े वो फैन रहते हैं कृतज्ञ रहते हैं है न लेकिन जिनके प्रति कृतज्ञता नहीं है तो फिर या उसमें हम दोष देखते हैं तो फिर हमारी नीचे चले जाते हैं मुझे याद है जब दसवीं में हमारा एक फेस्टिवल था एक फंक्शन था जिसमें दसवीं में और नवीं आठवीं हर जो टॉपर था उनको बुलाया गया था तो हमें भी वहाँ बुलाया था तो जब भी कुछ प्राइस का नाम आता दसवीं के बहुत सारे इसके लिए प्राइस था तो जब भी कुछ नाम आता था, था कि मराठी लैंग्वेज के लिए नंबर वन है तो हमारा नाम आता था हम उठ के चले जाते थे तो प्राइज़ लेके वापस जाके बेंच पे बैठते थे फिर से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नंबर वन फिर से हमारा नाम आता था हम उठ के चले जाते थे लेते थे प्राइज़ फिर से आ जाते थे ऐसे करते करते अचानक उन्होंने बोला कि हिंदी में नंबर वन है तो मैं उड़ गया क्योंकि आदत लग गई थी <laughs> तो मेरा नाम नहीं जिसका सेकेंड टॉपर -er था उनका नाम हो गया तो तुरंत मैं नीचे बैठ गया अगले कोई लोग देखे नहीं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमारे हिंदी में टॉपर नहीं है हम तो मैं सोचता रहेगा अरे हिंदी में मैं टॉपर नहीं हूँ क्या ऐसे कैसे हो गया मै ना तो फिर ठीक है फिर बाद में उपदेश देना था सभी बच्चों को नब्वीं आठवीं सातवीं के कि कैसे हमने ये तरक्की की तो मेरा जब टर्न आया अर्थात पहला ही टर्न था तो मैंने बताया कि हमें अपने गुरुजनों के प्रति बहुत आदर रखना चाहिए जिस किसी गुरुजन के प्रति हमारा आदर है उस सब्जेक्ट में हम अव्वल नंबर से पास होंगे क्योंकि समस्या ये थी जो हिंदी के हमारे टीचर थे उनका जो चेहरा था हुलिया तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड उनकी नकल या उनको बहुत उनके सामने नहीं उनके पिछवाड़े में बहुत उनको बदनामी करते थे मैंने कभी की बदनामी की नहीं लेकिन सुनता था और अंदर ही शायद हमने उसको ये किया तो इसके कारण हमारे मार्क्स कम हो गए तो मैंने ये समझा कि हिंदी में हमारा डाउन हो गया क्योंकि हमने वो टीचर के प्रति आदर नहीं रखा इसलिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये खाली भौतिक चीज़ में नहीं भौतिक संसार में नहीं आध्यात्मिक जीवन में भी आज तक हमने जो प्रगति की है ये कृतज्ञता के कारण ही है और जो भी हम कृत प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, वो कृतज्ञता के कारण है कृतज्ञता की कमी के कारण है हम देखते हैं महारानी कुंती बताती है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ अससभाया वनवास कृश्रतः मृदे मुर्धे मृदे ने कमारथास्त्र तो हरे अभिरक्षिता तो इसमें वो करीबन सात अपनी समस्याओं के पांडवों की समस्याओं को बता रही है तो इसको कहते हैं कृतज्ञ व्यक्ति मैं किस किस संकट से गुजरा हूँ और इसमें कैसे मुझे भक्तों ने मदद की है भगवान ने मदद की है गुरु गुरुवरियों ने मदद की है ये याद रखना तो ये लिस्ट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है उनको वो लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी पेपर रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कृतज्ञ थी इसलिए वो शुद्ध भक्त है तो कहते हैं हरे अभिरक्षिता हर किसी चीज़ के लिए कहती है हरे अभिरक्षिता भगवान ने रक्षा की पहला विषान भीम जब छोटा था तो दुर्योधन ने उसको फंसा कर केक दे दिया बोले ये खाओ अकेले में खाना तुम्हारे लिए है सिर्फ तो बेचारे वो समझे नहीं इसमें क्या है तो उसमें विष बनाया गया था डाला गया था तो बेचारे खाए एकांत में तो बेहोश हो गए तो तुरंत दुर्योधन दुशासन ने मिलकर उसको एक आ, पत्थर से बांध दिया और नदी में डुबो दिया जिससे कि मर जाए लेकिन वो नीचे गया तो वो नागलोक में पहुंच गया वहाँ नागों ने नागों ने उसको डसा तो उसका जो विष अंदर था ही वो पहले से निकल गया और फिर उसने सब मारना शुरू कर दिया सबको तो नाग के राजाओं को पता चल गया तो उन्होंने बोलो भाई रखो रुको, रुको तुम्हें हम जो भी चाहिए दे देंगे ये देखो ये बड़े मट्टे मट मटके हैं इसमें बहुत शक्तिशाली द्रव्य है इसको जितना पी सकते हो पियो उतनी शक्ति आएगी तो भीम तो वृकोदर वृकाग्नि है उसके पेट में तो उसने सब मटके पी लिए तो उसके कारण उसको मैं दस हज़ार हाथियों का बल आ गया तो महारानी कुंती कहती है ये भगवान की कृपा से हुआ तो अभी हम यहाँ देखें यहाँ कृष्ण है ही नहीं यहाँ कहाँ कृष्ण है कृष्ण जब तक कम का वध नहीं किए मथुरा में और फिर उसके बाद अक्रूर जी को भेजते हैं कि जाओ हस्तिनापुर और देखो वहाँ वो धृतराष्ट्र मेरे जो सब भक्त हैं कुंती महारानी और पांडव उनके साथ कैसे बर्ताव कर अर्थात वो तो, तो दुर्व्यवहार कर रहा था वो तो पता था भगवान को लेकिन फिर भी अक्रूर ने सब जाके बताया और वापस आके भगवान को बताया तो बाद में भगवान से उनकी पहली मुलाकात होती है तो यहाँ भगवान है ही नहीं एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से लेकिन वो कहते हैं कि हरे अभिरक्षिता विशान महाग ने बाद में वाराणाव्रत में उनको डाला था यहाँ भी षडयंत्र था जाओ थोड़ा मौज करो जंगल में वाराणाव्रत में और वो बनाया गया था लाख से एक ज्वलनशील पदार्थ से लेकिन विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को एक खत लिखा सब कोड लैंग्वेज में था किसी को समझा ही नहीं कुछ लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि ये जो है ये ज्वलनशील पदार्थ से बनाया गया है और यहाँ हमें जलाने के लिए लाया गया है तो फिर क्या करना है अंडरग्राउंड सुरंग उन्होंने खोल दिया खोद दिया पाँच किलोमीटर दूरी तक वह है आज भी मेरठ में तो वो खोद दिया और जैसे ही उन्होंने आग लगा दी पांडवों ने और वो पहले से नीचे से चले गए और बच गए तो ये भी यहाँ भी देखे तो भगवान कृष्ण ने विदुर जी को नहीं बताया था ऊपरी रूप से प्रत्यक्ष रूप से लेकिन भगवान ने ही विदुर जी को प्रेरणा दी थी तो विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शन इतने बड़े बड़े माँ क्या कहते हैं उसको कैनिबल्स या जो मानों को खाने वाले इतने राक्षस थे जंगल में जब वो वनवास में थे तो वहाँ भी भगवान ने ही उनकी रक्षा की हालांकि ऐसा दिखता है कि दिखता है कि भीम ने अपने ताकत से या अर्जुन ने अपने अपने ताकत से किया लेकिन वो ताकत भी भगवान की कृपा है ऐसे कुंती महारानी कहती है विशान महाग्न पुरुषाद दर्शना असत्सभा या वनवास कृष्ण था वहाँ भी जहाँ कुंत यहाँ द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था तो वो देखी उन्होंने अपने पतियों से पहले तो भीष्म और धृतराष्ट्र से मदद मांगी वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते यानी उन्होंने तो कुछ उत्तर भी नहीं दिया फिर अपने पतियों की तरफ देखा वो तो बोले हम तो खुद ही हार चुके हैं हम आपके ऊपर क्लेम दावा नहीं कर सकते तो वो भी कुछ नहीं तो उन्होंने अपने शारीरिक बल के द्वारा प्रयास किया वो भी कम पड़ गया तो उन्होंने सोचा कि और कोई उपाय नहीं भगवान कृष्ण ही हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपी जन वल्लभ उन्होंने एकदम इतना क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका जो चैस्टिटी होता है उसका जो पातिवृत्य होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वही वो खोने बैठ रही थी जान जाएगी भी तो चलेगा लेकिन पातिव्रत्य नहीं जाना चाहिए लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने जोर से चिल्लाया तो भगवान प्रकट हुए ही सारी के रूप में क्योंकि भगवान अनंत है तो वो सारी भी अनंत और ये दुशासन खींचते 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 आधा घंटा एक घंटा वो थक के बैठ गया नीचे ना तो भगवान ने ही रक्षा की असत सभाया वनवास कृष्णतः वन में भी इतनी सारी समस्या आई दुर्वासा मुनि आए तो वहाँ उन्होंने अपने हजारों शिष्यों के साथ मांग की कुछ दे दो खाने के लिए तो बोले ठीक है आप जाके आ जाओ स्नान करके यमुना में तब तक हम तैयार रखते हैं तो उस समय कृष्णा आ गए और बोले द्रौपदी मेरी बहन मैं भूझ बहुत भूख लगी है कुछ खिला दो बोले अरे भैया पहले से दुर्वा समूह आए उनके लिए कुछ नहीं है और आप मांग रहे अभी क्या करें वो तो हो गया क्योंकि जो अक्षय पात्र था उसको धोके मैंने उल्टा रख दिया अभी तो कुछ नहीं आज के दिन के लिए बोले नहीं देखो जरा थोड़ा तो कुछ तो होगा तो उन्होंने देखा एक शाक का थोड़ा सा था पत्ता बोले इतना काफ़ी है तो जैसे भगवान ने लिया एकदम डकार दे दिया बोले मैं तृप्त हो गया तो जैसे इन उन्हें डकार दिया उधर सब दुर्वासा मुनि सब और सबके पेट फूल गए हाँ एकदम ओवर ईटिंग अत्याहारो कभी जीवन में किए नहीं थे लेकिन इस समय एक बार उनके जीवन में हुआ ऐसे एकदम डर गए खोला अरे अभी तो खाने जाना है उधर न्यौता दिया है तो उतने में भगवान कृष्ण ने भीम को भेजा बोले जाओ उनको सबको बुलाओ तो भीम आगे गदा कर लेके ले। दुर्वासा मुनि आ जाओ प्रसाद तैयार है बोले बाप रे ये भीम ये खाता बहुत है हमें भी उतना ही खिलाएगा इधर ऑलरेडी पेट फट रहा है तो वो भाग गए उल्टी दिशा में वहां तो महारथी थे उधर एक एक जैसे प्रभुपात कहते हैं तिमिंगल की तरह थे जो बड़े बड़े शार्क को भी खा जाए इतने बड़े बड़े ताकतवान और शूरवीर योद्धा थे उनके सामने पांडव कम थे लेकिन फिर भी भगवान ने ही रक्षा की मृदे मृदे महारथास्त्र तो द्रौड़्यश में हरे अभी रखे। ये तो लेटेस्ट है अभी बस भगवान जाने के पहले की बात है उत्तर आई दौड़ के बोली भगवान मेरे गर्भ के ऊपर परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो मुझे नहीं मेरी जान की परवा लेकिन ये जो है ये पूरे पूर्ववंश का ये उत्तरदायित्व है तो मेरा इसके प्रति ये सेवा है यही मेरा आपके प्रति सेवा है तो इसलिए इसको बचाना आपका कर्तव्य मुझे मृत्यु हुई तो भी कुछ समस्या नहीं तो भगवान ने प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की तो देख सकते हैं हम कितना उनको बराबर याद है ऐसे वो खुजलाती नहीं बैठे कि विशान आ फिर क्या क्या था नहीं इसको कृतज्ञता कहते हैं ये शुद्ध हर शुद्ध भक्त में होती है प्रभुपाद के जीवन में हम देख सकते हैं कि उन्होंने अंतिम शया पे थे मृत्यु मृत्युशया पे तो उन्होंने याद किया जॉर्ज हरिसन को तो अपनी उंगूठी निकाल के दे दी बोले उसको जाके दे दो तो बोलो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि और इसमें भी देखते हैं हम कृष्ण बुक में भी प्रभुपात ने लिखा है इंट्रोडक्शन में परिचय में कि हम श्रीमान जॉर्ज हरिसन के बड़े आभारी हैं जो हरे कृष्ण गाने में आनंद लूटते हैं और इन्होंने हमारे कृष्ण बुक के पब्लिशन के लिए पब्लिशिंग के लिए उन्होंने उन्नीस हजार डॉलर दिए आज की तारीख में भी उन्नीस हजार डॉलर यानी क्या कितना बड़ी रकम है और ये उन दिनों की बात है तो प्रभुपात कृतज्ञ थे उनको पता है उन्होंने कृष्ण बुक लिखा क्यों था क्योंकि दशम स्कंद तक मैं शायद पहुँचू नहीं और कृष्ण के बारे में कितने सारे लोगों को कितनी सारी गलतफहमी है तो ये दूर हटने के लिए एक किताब दशम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है पूरा नहीं तो कम से कम उसका समरी स्टडी तो मैं प्रदान करूँ तो इसलिए लिखा लेकिन लिख के फ़ायदा क्या उसके लिए पैसा तो चाहिए लोगों तक पहुँचने के लिए तो ये जॉर्ज हरिसन ने मदद की थी तो इसलिए प्रभापात बड़े कृतज्ञ थे उनके प्रति तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कृतज्ञ हो लेकिन समस्या हो जाती है कलयुग में एक तो हमारी बुद्धि भी कम हो जाती है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता कुंती महारानी की तो बुद्धि एकदम तेज थी लेकिन हमारी कम होती है हम भूल जाते हैं विशेषता अगर कहीं भौतिक इच्छा के अंतर्गत आ जाए व्यक्ति तो फिर भूल जाए जैसे माता पिता इतने लाड़ प्यार से एक बच्चे को है ना खड़ा करते पढ़ाता है लिखाते हैं वगैरह लेकिन जैसे उसका विवाह हो जाता है तो फिर पत्नी के चुंगुल में आ जाता है ना पत्नी जो बोले फिर ये होम मिनिस्टर ना, तो गृह मंत्री आ गई फिर बाकी सबको पहले के मंत्री को उड़ा देते हैं ना इसका ज्वलंत उदाहरण हम नवाब हुसैन शाह के जीवन में देख सकते हैं तो उसका जब विवाह हुआ तो उसके पत्नी के इंद्र तृप्ति में बाधा आ गई क्योंकि उन्होंने देखा कि इसके पीठ के पति के पीठ के ऊपर कुछ निशान है तो उन्होंने बोला ये क्या है आपको किसी ने पीटा क्या बोले हाँ मैं छोटा बच्चा था तो मैं सुबुद्धि राय के अंतर्गत था तो फिर मैं गलती किया था एक बार तो उन्होंने दंडे से पीटा था तो उसके ये निशान है बोली ये कौन है सुबुद्धि राय उसको जान से मार डालो आप आप राजा हो बोली नहीं ऐ, ऐसे नहीं कर सकते मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ मेरे पिता के समान है उन्होंने बेटे के समान पाला है मुझे तो ये मेरे लिए उचित नहीं रहेगा ऐसा मारना वगैरह बोले ठीक है लेकिन कम से कम उसको फिर जाति भ्रष्ट कर देता हूँ वो बोले तुम्हारी इच्छा है तो तो फिर उन्होंने अपना कुछ तो छिड़क दिया पानी उस समय की रीति के अनुसार वो फिर बेचारे हिंदू धर्म से नीचे गिर गए और फिर उनको बड़ी समस्या हुई लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे पत्नी के चंगुल में आके नवाब हुसैन शाह भूल गया कि क्या कृतज्ञता होनी चाहिए थी थोड़ी हद तक काफ़ी हद तक लेकिन जैसे ही किसी के भयकाओं में आ गया इसको कहते हैं असत्संग इसलिए असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार यू नो तो महाप्रभु ने कहा है कि असत्संग त्यागना चाहिए ऐसे जो भी लोग हैं जो हमें भक्तों के ऊपर हमारे जो श्रद्धा है जिनके प्रति हमारा आदर भाव है कृतज्ञता है उसको तोड़ने का प्रयास करें उतना तो बुद्धि होना चाहिए कि इसका संग ना करूँ लेकिन माया इतनी प्रबल है ना बड़े बड़ों को चकमा दे देती है और उनको उस असत्ंग द्वारा बाहर लेके जाती है तो ऐसे कितने सारे महारथी बहकाव में आ गए ना तो इसलिए इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण जैसे विश्वकन्या होती थी पहले के ज़माने में उसको भेजते थे बड़े बड़े दिग्गज शूरवीर महारथी राजा लोगों को हराना तो नामुमकिन था लेकिन एक बस जवान युवती को भेज दो जो विश्वकन्या कर लाती है और तो बस उसके थोड़े से संग से वो मर जाता था ऑन द स्पॉट ना तो इस तरह से माया बहुत शक्तिशाली है इससे बचना चाहिए नहीं तो बड़ी समस्या आती है एक व्यक्ति थे आ, राम करके आ, तो वो गांव से पढ़े लिखे पढ़ाई लिखाई की अच्छे से पढ़े उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह लेकिन गांव में तो कुछ जॉब नहीं तो इसलिए वो शहर में गए जा रहे थे बहुत कंपनियों में तो मिल ही नहीं रहा था जॉब तो अंत तो गतवा बड़े थके हारे थे एक कंपनी में एक मैनेजर ने बॉस ने उनको बहुत प्रसन्न होकर उनको एक छोटा सा जॉब दे दिया तो वहाँ लग गए वो और फिर काम कर रहे थे काम कर रहे थे बहुत अच्छे से नेकी से काम कर रहे थे उनसे प्रसन्न होकर वो बॉस उनको प्रमोशन तरक्की दे रहा था ऊपर 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 तो बाद में जाके वो मैनेजर ही बन गए तो इसके कारण बाकी सारे जो लोग थे मैनेजर वो बड़े जलन ची, वो जलने लगे कि ये क्या कल का चौकरा अभी ऐसे कर रहे हैं मैनेजर बन गया तो फिर उन्होंने षडयंत्र रचा कुछ तो करना चाहिए तो फिर उन्होंने क्या किया बॉस को जाके पर्सनली मिले बोले बॉस बोले क्या हुआ पता है कि ये मिस्टर राम क्या हुआ वो तो बहुत अच्छे नहीं के नहीं ये दोपहर में लंच समय में फटाफट अपना लंच लेके अपने केबिन में जाते हैं केबिन को लॉक करते हैं और अंदर एक तिजोरी है उसको खोलते हैं और उसमें कुछ तो ट्रंक है जिसमें उन्होंने कुछ तो रखा है हमें तो लगता है कंपनी का ये सब माल वगैरह पैसा वगैरह चोरी करके रखा है बोले ऐसे ऐसे कैसे फिर तो बोले आप जाके खुद उसको चेक करो तो बोले ठीक है कल मैं देखता हूँ तो कल जब लंच का समय हुआ तो तुरंत बॉस जल्दी से जैसे ये गए अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया तो तुरंत उन्होंने दरवाजा ठक ठक दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलो तो फिर उन्होंने दरवाजा बॉस क्या हुआ बोले क्या कर रहे थे आप बोले कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं झूठ मत बोलो है कुछ नहीं नहीं बताओ ये तिजोरी में क्या है खोलो इसको तो उन्होंने खोला बोले ये ट्रंक में क्या है खोलो इसको कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं खोलो तो उन्होंने खोला तो जैसे खोला तो बॉस ने अंदर हाथ डाल के निकाला बोले हई क्या इधर देखा तो एक शर्ट पैंट था बोले पैंट के इसमें जेब में कुछ तो होगा तो देखा सब कुछ नहीं वो फटा हुआ था वो जेब भी तो बोले मिस्टर राम ये क्या है ये तो फटीचर है एकदम शर्ट पैंट इसको क्यों रखा है किसका ये बोले सर ये वही फटा हुआ धोते शर्ट पैंट है जिसको पहन के मैं आपके पास आया था दर दर के ठोकरे खाया था कोई जवाब नहीं दे रहा था तो फिर मैं इसके इसी कपड़ों में आपके पास आया था और आज जो मेरी हालत है मेरा मैनेजर वगैरह

तो भगवान भी हमें बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए तैयार है भगवान दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण से ही कृष्ण तारे करे आत्मसम सम प्रभुप में कोट करते कि दीक्षा के समय शिष्य पूरा समर्पण करता है तो उस समय कृष्ण उसको अपने समान बना लेते हैं वो गुरु बन जाता है महाप्रभु की वाणी में है ना हमारा आज्ञा गुरु है या तारे देश इसलिए आचार्य माम विजानी आम नो द आचार्य टू बी माई सेल्फ न ये समझो कि जो आचार्य है मेरे समान है उल्टा मुझसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उनको तुम आदर दो तो इसलिए हर भक्त जो पूरी तरह से समर्पण करें वो बहुत ही आदरणीय है इसका अर्थ ये नहीं हम बोले कि भक्त तो सब पूरी तरह से समर्पित नहीं है तो इसलिए हम उनको लाछन दे सकते तो ये उचित नहीं है तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं नारद मुनि पहले पूर्व जन्म में एक शूद्र के पुत्र के रूप में उनको भक्ति वेदांतों के द्वारा कृपा हुई बाद में वो माँ के मृत्यु के पश्चात चले जाते जंगल में और उन्होंने बताने भक्ति वेदांतों ने बताए हुए साधना को कर रहे थे और करते करते फिर भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिए तो वो आँखें खुल के देखा तो सामने भगवान ने हृदय में भी नहीं है तो फिर आवाज़ सुनाई दी कि अभी तुम अशुद्ध हो तुम सेवा करते रहो इस साधन को करते रहो फिर तुम्हें अगले जन्म में ऐसा जन्म प्राप्त हो होगा कि तुम मुझे हमेशा देख प्राप्त कर सकते हो वगैरह तो जैसे इधर लिखा है तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितान्त आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया भगवान की वाणी बंद हो गई भगवान की वाणी थी वो न तो तुरंत मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुका उन्हें प्रणाम किया तो अभी देखेंगे तो कुछ आवाज आवाज़ ही है व्यक्ति तो है नहीं जनरली हम व्यक्ति को देख ही प्रणाम करते लेकिन वो पता है उनको कि भगवान अपनी वाणी के रूप में ही उपस्थित है अभी मेरा उतनी शुद्धता नहीं है कि उनके रूप को देख पाओ लेकिन वाणी और रूप में कुछ भिन्नता नहीं है तो इसलिए उन्होंने तुरंत झुक कर प्रणाम किया तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ये वाणी भगवतीता जैसे प्रपात लिख रहे हैं भगवीता श्रीमद भागवतम की वाणी रोज के दर्म रोज प्राप्त हो रही है तो कितना आभारी होना चाहिए हमें लेकिन कभी कभी ज़्यादा होने से अतिपरिचयात अवग गया जैसे राजेशम्भरू सुबह बता रहे थे कि मटेरियल आउटलुक भौतिक अगर नज़रिया है तो उसके कारण फिर हम सोचते हैं कि ये क्या है इतने क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना लेकिन इसके द्वारा ही तो भगवान की प्राप्ति होने वाली है इसके बिना कैसे हो सकती है ना खाने पीने से तो नहीं होने वाली शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वो समझें प्रवपाद एक दातर लिखते हैं कि जो पर्सनलिस्ट रहते हैं यानी सविशेषवादी शायद निर्विशेषवादियों के विरोध में जो इन पर्सनलिस्ट हैं तो वो बहुत ही भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं क्यों क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचती तद हम भक्ति ऊपर तुम अष्टामी प्रयत्नात्मना तो भगवान हमारे खाते हैं क्योंकि वह एक व्यक्ति वैक है और खाने के बाद अपने बच्चों के लिए प्रसाद छोड़ देते तो वो प्राप्त करता है तो कृष्ण बड़ो दयामोए गरीब आ रे जीवा जाए मेरी तो जीवा भी अनकंट्रोल्ड है अनियंत्रित है तो भगवान ने बेड़े प्रेम से मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ये प्रसाद दिया है तो हमारे भगवान खाते हैं और खाने के बाद हमारे प्रसाद छोड़ते हैं तो इसलिए एक पर्सनलिस्ट होता है ये बहुत भगवान के प्रति आदर प्रकट करता है लेकिन निर्विशेषवादी उनके भगवान को तो कुछ मुँह ही नहीं है तो खा नहीं सकते तो इसलिए उनको हड़ताल ही करना पड़ेगा कुछ खा नहीं सकते वो क्योंकि प्रसाद नहीं ले सकते तो इसलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है वो दर्शाए जो तीसरा स्कंद है उसमें बताया गया है कि जो एक बच्चा होता है माँ के गर्भ में कपिल देव बता रहे हैं कि वो भी जब उसकी चेतना प्राप्त करता है तो भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण करता है कि भगवान मैंने गलती कर दी वगैरह वो सब बताता है कि मुझे इस बहुत इधर दर्दनाक स्थिति में यहाँ दुख भोगना पड़ रहा है तो ये बहुत ही दर्दनाक है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से आप निकालो ना? तो लेकिन समस्या ये हो जाती है कि काफ़ी बार पड़ी माया जाले जैसे ही जन्म हो जाता है तो हम भूल जाते हैं लेकिन विशेषता भक्त के बारे में बताया गया है दक्ष जो थे उनको शिव जी के प्रति बड़ा द्वेष था तो इसलिए जब शिवजी को न उठते हुए देखा उन्होंने ब्रह्मा जी तो पिता है नहीं उठे नो प्रॉब्लम लेकिन शिव जी नहीं उठे ये देखकर कर वो बड़े क्रोधित हो गए और शिव जी की इतनी भसना की सबके सामने लाछन लगाना शुरू किया बहुत ही कठोर शब्दों में बहुत ही द्वेश, युक्त शब्दों में लेकिन शिव जी कुछ भी टस से मस नहीं हुए वो तो अमान ही ना मान देना वो तो कुछ समस्या नहीं थी उनको तो लेकिन इसके कारण बाद में हम देखते हैं कैसे दक्ष के यज्ञ में इतनी सारी बाधाएं आ गई और अंत तक उसके सर को ही कलम कर दिया फिर उसको एक बकरे का सर रखा गया तो फिर बकरे के सर के साथ वो जब शिव जी आते वापस ब्रह्मा जी के बुलाने के बाद तो फिर वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप कितने दयालु हो आप तो मुझे जान से मार सकते थे लेकिन सिर्फ मेरा सर ही आपने कलम कर दिया तो फिर वो कृतज्ञता अर्पण करते हैं शिव जी के प्रति कि आप बड़े भोले भाले हो इत्यादि गुणगान करते शिव जी का तो इसको कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो बातों से जो ना माने जो शास्त्र की वाणी है उनको माया फिर लातों के द्वारा ही ठिकाने पर लाती है अर्थात इसमें बहुत समय भी जाता है मूढ़ा जन्मनी जन्मनी तो इसलिए शास्त्र से शस्त्र या शास्त्र तो जो दक्ष थे उनको शस्त्र ही इस्तेमाल करके ठिकाने पर लाया गया लेकिन शास्त्र से अगर आ जाए ठिकाने पर तो शस्त्र की जरूरत ही न पड़े तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो कल श्लोक हम देख रहे थे श्रीमान वंशोधम प्रभु तत्कम तत्ते अनुकम पुसमीक्ष भुञ्जान भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम नमस्ते जीवे पदे सदाए भाग तो इसमें ब्रह्मा जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि तत्ते अनुकाम ते अनुकाम भगवान आपकी कृपा है ना सुमीक्ष माणो वो रहा देखता है वो भक्त जो इस संसार में दुख भोग रहा है लेकिन जानते हुए कि भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम ये तो मैंने ही पकाया हुआ है मैंने ही खिचड़ी पकाई और जल गई अभी खा रहा हूँ क्या करूँ कुछ है नहीं उसमें गल, गलत है सब वो लेकिन किसको दोष दूँ किसी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ही कुक, कुकिंग की है आत्मकृतम विपाकम तो वो ये जानते हुए सुसमीक्षा माणो भगवान की राह देखता है भगवान की कृपा की राह देखता है कितना भी समय बीतने दो उसमें वो समीक्षा उसमें वो पेशेंस उसमें वो धैर्य होता है नहीं कृष्ण बड़े कृपालु है और जरूर मेरी रक्षा करेंगे रुद्रवाग वपुर भी विदधन नमस्ते और अपने शरीर अपने मन और वाचा से भगवान की सेवा करता ही जाता है क्योंकि मैं भगवान को दंडवत तो कर पा रहा हूँ भगवान का गुणगान तो कर पा रहा हूँ भगवान का नाम तो ले पा रहा हूँ तो इससे ही वो प्रसन्न रहता है बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए और शरीर ये तो जाने वाला एक दिन आज नहीं तो कल की बात है तो ये शरीर के ऊपर कितने भी पीड़ा क्यों ना आ जाए है ना तो मैं किसी को दोष ना देते हुए कि इसके कारण ये पीड़ा हुई उसके कारण ये समस्या हुई नहीं ये आत्मकृतम विपाकम ये मेरे ही सब दोष है पूर्व जन्म के सब पाप है इस जन्म के पाप है इसलिए तो ना तो सदाया भाग वो मुक्ति के लिए प्राप्त होता है या मुक्ति के लिए वो लायक या पात्र होता है तो ये समस्या ये जो अनुकंपा में है ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन साथ ही साथ बहुत मुश्किल भी है इसको लागू करना क्योंकि जैसे ही कुछ समस्या आ जाए शरीर में तो हम तुरंत किसी और को ही दोष देते इसके कारण ऐसा हो उसके कारण ऐसा हो लेकिन इट टेक्स लॉर्ड ऑफ गट्स बहुत ताकत लगती है ये बताने के लिए कि मैं मैं ही इसका कारण हूँ तो वो शुद्ध भक्त होते हैं वो ब्रह्मा जी कहते हैं तो ये कृतज्ञता है ये सत्वगुण का लक्षण है सत्वगुणी व्यक्ति का लक्षण है रजोगुण और तमोगुण में ये नहीं हो सकता तमोगुण में व्यक्ति भूल ही जाता है उसके प्रति क्या क्या कितनी उसको मदद की गई है न और जो रजोगुणी होता है तो वो किसी और ड्राइव से किसी और चीज़ के द्वारा खींचा जाता है वो तो छोड़ो वो छोटी चीज़ थी अभी मुझे ये प्राप्त करना है तो उसमें यहाँ की जो कृतज्ञता थी कृतज्ञता वो चली जाती है जैसे हमने बात की थी नवाब हुसैन शाह के बारे में तो उनको कृतज्ञता थी सुबुद्धि राय के प्रति लेकिन अभी ना ऑडिकल बाल्यावस्था क्रीड़ा सक्ता तरुणावस्था तरुणी आसक्ता तरुण अवस्था में थे तो वो भूल गए सुबुद्धि राय के उनके प्रति जो ये था तो सत्वगुण में और शुद्ध सत्वगुण में ये दिखाई देता है कृतज्ञता तो हमें क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या गोल से आया हूँ क्या मेरा लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो शुरुआत के दिनों में जब भक्ति में आते हैं हम तो कोई भक्त प्रसाद दे तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं वो तो स्वाभाविक है देंगे लेकिन बाद में भी अगर हम आशा करते रहे कि अरे अभी क्या यू नो ना ये आते नहीं प्रसाद हमें देते नहीं वो तो दिखते ही नहीं प्रसाद के समय वगैरह ऐसे सर जैसे मैं मुझे याद है एक बार उन्नीस सौ शायद 98 की बात होगी 99 में हमारे एक सीनियर डिवोटी रसिकानंद प्रभु करके जो जिनके द्वारा ही आईआईटी आई टी में प्रचार शुरू हुआ था बाद में एनआईटी वारंगल में भी उनके द्वारा ही शुरू हुआ था राधाना महाराज राधे राधेशम्भ के आशीर्वाद से तो वो और मैं एक बार मुंबई मुंबई चले गए थे राधा गोपीनाथ मंदिर में तो थोड़ा लेट पहुँचे थे कोई थे नहीं हमने खिचड़ी ले लिया प्लेट में तो हमने प्रसाद लिया तो अभी सेकेंड सर्विंग के लिए हम जा ही रहे थे तो उधर कोई था नहीं सर्विंग के लिए अचानक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ आ गए तो जैसे आ गए तो हमने प्लेट नीचे रखकर महाराज को प्रणाम कर दिया और जैसे उठे तो हमने प्लेट ले लिया वापस तो महाराज ने देखा कोई है नहीं आ, सर्विंग के लिए और वो बकेट है उधर खिचड़ी का और ये दोनों आधा ले चुके और अभी शायद लेना ही चाहते तो फिर वो तुरंत बैठ गए और उन्होंने इंडिकेट किया कि आ जाओ करके तो हम दोनों आ गए तो उन्होंने खिचड़ी परोसा हम दोनों को चम्मच से और बोले इज दिस खिचड़ी वेरी नाइस बोले महाराज वेरी नाइस ना वेरी नाइस इट इज़ तो महाराज ऑज़ वेरी हैप्पी महाराज बहुत प्रसन्न थे कि इनको खिचड़ी अच्छा लगा तो हम अभी अभी मैं अभी आज के दिन में भी आशा करूँ कि जब भी राधा गोपीनाथ जाता हूँ महाराज ही खिचड़ी सर्विंग करे <laughs> ये थोड़ा ही तो बचपना हो गया है अरे वो कृतज्ञता अर्पण करो कि गुरु महाराज होते हुए भी है ना एक सामान्य व्यक्ति हम जैसे के लिए वो परोस रहे है ना वैसे हम देखते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का एक फोटो है शायद कुंजबेरी मंदिर में वो काउंटर टेबल पे वो बांट रहे जो भी है प्रसाद है ना उसमें तो हम बोलेंगे नहीं हर बार ठीक है अभी पूना मंदिर में राधानंद महाराज नहीं आते तो गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं तो उन्होंने हर बार सर्विंग करना चाहिए तो बचपन हो गया अरे वो क्या मिस वो कर सकते हैं <laughs> मैनेजमेंट आप ले लो पूरा अपने सर पे फिर वो खिचड़ी बांटेंगे आराम से उनको तो अच्छा लगेगा ही ना तो लेकिन ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ना तो कृतज्ञ होना चाहिए कि एक बार ऐसा भी हुआ था लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो आत्मा को खिचड़ी क्या गुलाब जामुन रसगुल्ला सब खिला रहे दिव्य ध्वनि के द्वारा तो वो हम देख नहीं पाते तो जो बच्चा होता है उसको खाने का अन्दम है कोच में ही यू ना वो खिलाते नहीं क्या आप आए तिरुपति से लड्डू नहीं लाए <laughs> अरे उधर प्रवचन दे के आया वो रिकॉर्डिंग लाया वो रिकॉर्डिंग रखो अपने पास <laughs> लड्डू बालाजी <laughs> ठीक है कम से कम इधर का तो लाओ सो <laughs> तो, अरे ठीक है भाई लाया कभी दिया लड्डू तो बालाजी भगवान की जाए नहीं तो ना, है ना भगवान के कितने सारे अन्य प्रकार के लड्डू भी हैं ना तो वो स्वीकार करने के लिए उतना तो हम ऊपर आना चाहिए जो ब्रह्मचारी होता है रोजाना के तौर पे वैदिक जीवन में वो जाता है और भिक्षा मांग के लाता है और अपने गुरु को अर्पण करता है वो गुरु के लिए सब कुछ गुरु के लिए जीवन जीता है और अंत तो गत्वा यानी जब उसका पढ़ाई हो जाता है जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व फिर वो गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ तो बड़ी चीज बढ़िया ने उसके स्थिति के अनुसार वो देता है लेकिन रोज़ाना के तौर पे वो ये जो भिक्षा मांग कर लाता है तो इस तरह से वो गुरु दक्षिणा उसकी कृतज्ञता को अर्पण करता है और जीवन भर जब गृहस्थ रहता है तब भी वो याद रखता है कि कैसे गुरु महाराज ने मुझे संस्कार दिए मुझे ये शब्द ध्वनि दी और उसके अनुसार ही जीवन जीता है फिर उनके कहने के अनुसार अन्यों को घर में बुलाता है साधुओं को वगैरह और उनके कहने के अनुसार अपने जीवन को बिताए तो ये उसकी उसकी कृतज्ञता है एक व्यक्ति ने एक बार एक लड़का डूब रहा था पानी में तो उसने छलांग लगाई उसको बाहर निकाला बहुत सारा पानी गया था अंदर तो इसने जैसे निकालते हैं उसकी छाती के ऊपर दबा दबा के उसको पानी को निकाला फिर बाद में उसके मुंह को मुंह लगा के उसको सांस छोड़नी होती है उसके लंग्स में नहीं तो वो सांस नहीं ले पाता तो ऐसे करके उसके लिए बहुत एक्सपर्टी लगती है पहले की जानकारी होनी चाहिए कैसे करना है तो वो सब जानता था उसने सब किया और वो बच्चे को बचाया उसने ऑलमोस्ट मरने को आया था जैसे ही बचाया तो उसके माता पिता सब समाज के लोग इतने प्रसन्न हुए न्यूज़ पेपर में आया उसका बड़ा वाह हुआ हुआ गुणगान हुआ आगे के काफ़ी हफ्तों के लिए तो ये व्यक्ति को उसने बचाया उस बच्चे को लेकिन उसके सांस में वहां से कहाँ से आई हवा वो भगवान के द्वारा आई वो भगवान के गुणगान में किसने कुछ लिखा क्या न्यूज़ पेपर में और वो लिखा है शास्त्रों में वो बांटते जाए तो भी लोगों को वो समझ में नहीं आता कि भगवान दे रहे सास गिरिराज महाराज अपने एक लेखन में लिखते हैं कि कैसे भगवान के कारण ही हमें पानी मिल रहा है भगवान के कारण ही सांस मिल रहा है आज के इस तारीख में विशेषता जब कोविड लंग्स में ऑक्सीजन कम पड़ता है तो लीटर में ऑक्सीजन छोड़ा जाता है आठ लीटर दस लीटर बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है फिर अकॉर्डिंगली चार्जेस भी ज़्यादा रहेंगे लेकिन हम देख सकते हैं कि भगवान ने बनाया है ऑक्सीजन इसकी कितनी महत्वता है कितना महत्व है कि इतना ले रहे हैं हम कभी हम याद नहीं रखते तो भगवान के प्रति हमें ये ये कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए वो कृतज्ञता व्रजवासियों में भगवान कृष्ण के प्रति इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में थी एक बार जो मयूर थे उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हम थोड़ा आपका नृत्य देखना चाहते हैं क्या थोड़ा हमारे लिए आप नृत्य करेंगे बोले हाँ क्यों नहीं आपकी इच्छा है तो, तो तुरंत भगवान ने अपनी बाँसुरी बजाना शुरू कर दी और नाचने लग गए सब गो बालक वगैरह नाचते नाचते समय बीतता जा रहा था तो धूप चढ़ती जा रही थी तो गर्मी होने के कारण फिर ये मयूर वगैरह सब वो भी नाच रहे थे बाजू में सर्कल में लेकिन वो चले गए पेड़ के छाव के नीचे लेकिन भगवान नृत्य करते ही जा रहे करते ही जा रहे हैं तो बलराम जी ने देखा अरे ऐसे तो ये रोकेंगे ही नहीं तो तुरंत बलराम जी ने उनको आलिंगन किया बोले कृष्ण काना क्या कर रहे हो बहुत हो गया अभी सब प्रसन्न है बहुत हो गया अभी धूप चढ़ गई काफ़ी है तो फिर वो मयूर उत्सव आ गए सामने बोले आपके आपके द्वारा तो हमने थोड़ा सा ही नृत्य देखने की इच्छा की थी आप तो नाचते ही गए बड़े हम प्रसन्न हैं तो हमारे पास तो और कुछ संपत्ति है नहीं हमारे ये जो पंख है यही हमारे पास कुछ है तो अच्छे वाले पंख उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिए भगवान ने तुरंत उसको उठा के अपने शीश पे रख दिए बोले भगवान आपके जो भेंट है भगवान हमारी भेंट को सर के ऊपर रखते हैं तो हम देख सकते हैं वो जो मयूर थे उन्होंने भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण की उसी तरह से जो गैया थी जब गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण निकल रहे थे गैयों को चराने के लिए तो माता यशोदा ने उनके लिए एक छाता और जूते दे दिए दो जूते बोले इसको पहन के जाना बहुत सारे कंकर हैं और धूप लगेगी वगैरह बोले ऐसे कैसे हैं मैं तो गोपाल हूँ गायों का रक्षक तो अगर मुझे दे रहे हैं तो मेरे गायों को भी देना होगा हर एक गाय के लिए एक छाता और जितने पाव है उतने जूते बोले ये नौ लाख छाते और छत्तीस लाख जूते ये आएंगे कहाँ से बोले मैं तो नहीं ये कर सकती तो बोले फिर मैं भी नहीं छाता और जूते स्वीकार करता तो तुरंत वो चले गए ऐसे ही नंगे पाव वगैरह तो गायों को बड़ा कृतज्ञता हुई अरे हम तो गइये जानवर हैं हमारे जो क्या कहते हैं खूर वगैरह बहुत शक्तिशाली हमें जूतों की थोड़ी जरूरत है ऐसा कोई गाय है क्या जो छाता लेके चलती रहती है नहीं लेकिन कृष्ण देखो कैसे हैं कितना प्रेम करते हैं हमसे तो हमें भी कुछ तो करना चाहिए कंकर वगैरह बहुत हैं वृंदावन में चलो तो उस रात को सभी गई गई पूरे वृंदावन में और अपने पाँव से उन्होंने कठोर पाँव से दबा दबा के सब जो भूमि थी उसको इतना मुलायम कर दिया जो आज रज रज के रूप में हम देखते हैं तो ये गइयों का कृष्ण के प्रति कृतज्ञता है ये प्रेम है जो भक्त अर्पण करते हैं प्रवपाद एक तात्पर्य एक ट्रांसलेशन में लिखते हैं एक जगह है, पे कि जो यो में भक्त्या प्रय तो हम भगवान को प्रेम से और कृतज्ञता से अर्पण करना चाहिए भोग या अन्य कोई भी सेवा जो अर्पण कर रहे हैं तो जनरली हम देखते हैं कि लव एंड डिवोशन जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन है प्रेम और भक्ति से लेकिन वो भक्ति को ही प्रवपात ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के रूप में प्र, प्रदर्शित कर रहे हैं तो जितना कृतज्ञता है हमें भक्तों के प्रति गुरु के प्रति भगवान के प्रति उतनी हमारी भक्ति ठीक से चल रही और जितना कृतज्ञता की कमी है उतना हमारी भक्ति ठीक नहीं चल रही हालांकि ऊपरी रूप से हमारा सैफरन हो जाए सर मुंडन हो जाए या कार मिले हमें सेवा के लिए वगैरह ये तो कुछ ये प्रगति का लक्षण नहीं है भगवान अंदर से देखते हैं काफ़ी लोग बाहर से देखते हैं भगवान बाहर से नहीं देखते वो तो क्या बाहर का तो उनके द्वारा ही आया है अंदर का आपके द्वारा है एक हर साधक के द्वारा है जैसे प्रभुपात को वो लड़का जो मॉर्निंग वॉक में जा रहा था तो उसको कुछ तो पूछना था प्रभुपात को प्रश्न था लेकिन पूछ नहीं पाया अंत तो कहते प्रभुपात बैठ गए कार में दरवाजा बंद हो गया और कार जाने ही वाली थी तो अचानक को दौड़ गया स्वामी जी स्वामी जी मैं पूरी तरह से भगवान कृष्ण को शरण जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए प्रभुपात ने एक ही शब्द क्या कहा डिजायर इच्छा करो इच्छा करो कि बस भगवान आपको शरण जाना चाहता हूँ पूरी तरह से तो भगवान कर देंगे सब कुछ तो ये इच्छा अंदर की है ये हम सब की है साधक की है बाकी बाहरी रूप से जो है वो भगवान की कृपा से इच्छा के अनुसार आता रहता है तो किसी को कुछ दोष देने की जरूरत नहीं है किसी भी कारण से एक जगह पे प्रभुपद लिखते हैं जो ज्ञान है उसके पांच अंग है तो पहला अंग है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि तो जिसको ज्ञान है उसमें बुद्धि होता है दूसरा है ग्रेटफुलनेस यानी कृतज्ञता तो कृतज्ञता नहीं है मुझ में तो मुझ में ज्ञान नहीं है अज्ञान है हालांकि उप्र रूप से मैं कितने बड़े बड़े प्रवचन क्यों ना दूं हज़ारों श्लोक भी याद क्यों ना करूं लेकिन जिन्होंने मुझे मदद किया है उनके प्रति मेरी कृतज्ञता नहीं है तो मैं अज्ञानी हूं जैसे इंग्लिश में कहते हैं द हैंड दैट फीड्स यू यू शुड नॉट बाइट इट जिस बचपन में हम माँ ने हमें खिलाया सबको तो कभी कभी हम क्रोधित होकर शायद हो सकता है किसी ने माँ के उंगलियों को भी चबाया होगा तो ये बड़ा कृतज्ञा है हम तो अज्ञानी थे उस समय लेकिन आज की तारीख में हम बड़े आभारी रहेंगे अपने माँ के कि उन्होंने इतना प्रेम से खिलाया उस समय जिस समय मैं कुछ खा भी नहीं सकता था तो इन्होंने खिलाया तो वो पता होना चाहिए हमने कितने सारे भक्तों ने हमें मदद किया है भक्ति में एक भी भक्त कम होता था तो मेरे जीवन में या किसी अन्य मेरे मित्र के जीवन में कुछ तो कमी रह जाती थी तो इसलिए बहुत कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण तो है इसको हम कभी अनदेखा नहीं कर सकते या उसको कमी नहीं कर सकते ना जैसे हमें याद है जब हम नाइन्टी की बात है शायद या नाइन्टी की श्रीमान राजेशम्भ प्रू गए थे मायापुर यात्रा में राजानंद महाराज के हम तो स्टूडेंट थे सब मैं शंकर पंडित प्रभु राजान प्रभु पति प्रभु इत्यादि तो हम वाइस में रहते थे तो उन्होंने गए लेकिन हमें याद रखते हुए हमारे लिए हर किसी के लिए लैमिनेशन लाया था नरसिंहदेव भगवान का छोटा सा इतना पीछे उसको स्टैंड था और शायद प्रसाद भी लाया था है ना तो ये सब भेजा गया था हमारे लिए तो हम इतने खुश हुए ना नरसिंह देव का फोटो हम तो जा नहीं पाए हमारा सबका पढ़ाई वगैरह था तो हम इतने खुश हो गए कि ना तो हम अभी हम नहीं बोल सकते कि अभी यात्रा में जाते हैं अभी तो कुछ लैमिनेशन लाते नहीं अरे लैमिनेशन छोड़ो अभी डायरेक्टली नरसिंह देव के सामने तुम्हें किसने खड़ा किया है उधर लेके जाते वही तो लेके जाते हैं उनके कृपा से तो जा रहे हैं क्यों अभी यू नो वो लैमिनेशन चाहिए नो चाहिए तो खुद पैसा भी दे, दे देंगे ले लेना खुद से लेकिन बचपना नहीं करना चाहिए ना प्योर डिवर्टी इज़ लाइक ए चाइल्ड बट नॉट चाइल्डिश बच्चे जैसे होना चाहिए आ, मासूम लेकिन बचपना नहीं करना चाहिए बचपना यानी बाह्य तरीके से कुछ गलत व्यवहार तो दूसरा है ग्रेटफुलनेस तीसरा है पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेज पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइम प्लेस सर्कम्सेंसेस जो समय देश स्थिति काल इत्यादि को आ, समझना ये जो है ये ज्ञान का प्रतीक है चौथा है परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग हर किसी चीज़ का पूरा ज्ञान रखना और नॉलेज ऑफ द सेल्फ आत्म ज्ञान ये पांच चीज़ें जिसमें है वो व्यक्ति नॉलेजेबल है यानी वो ज्ञान में है तो इसलिए हम का हमारा आज का जो विषय है ग्रैटिट्यूड है ना ऊपरी रूप से तो लगेगा हमने बहुत सारे श्लोक याद किए लेकिन अंदर से अगर कृतज्ञ नहीं है जिन्होंने हमें इस भक्ति में लाया है जिन्होंने हमें पाला पोसा है आज भी वो कर रहे हैं है ना लेकिन ये दृष्टि ढक जाती है माया के द्वारा जब हम कृतज्ञ न बन जाते हैं लेकिन कृतज्ञ हैं तो ग्रेटफुल रहेंगे ये ग्रैटिट्यूड बढ़ती जाएगी ये भगवान कृष्ण के चौसठ गुणों में से एक गुण है जो भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी लिखे हैं कि इसका इंग्लिश में मतलब है एनी पर्सन हु इज कॉन्शियस ऑफ हिज फ्रेंड्स बेनिफिशेंट एक्टिविटीज एंड नेवर फॉरगेट्स हिज सर्विस वो व्यक्ति जो अपने जो मित्र है मित्र है ना ऐसे मित्र ही नहीं जो भी कोई अन्य व्यक्ति है उनके द्वारा जो उनके लिए लाभदायक कार्य किया है उसको कभी भूलते नहीं ना उनकी सेवा को तो उसको कहते हैं ग्रेटफुल ये कृष्ण का गुण है और प्रवपा दो उदाहरण रहते हैं एक तो द्रौपदी का क्योंकि जब शायद शिशुपाल को मारने के बाद भगवान कृष्ण के उंगली को चोट पहुंची थी तो द्रौपदी ने सुभद्रा तो इधर उधर भागती गई लेकिन द्रौपदी ने तुरंत अपने वस्त्र को साड़ी को एंड फाड़ कर भगवान कृष्ण के इसको लगाया था तो भगवान बोले तो ठीक है तुमने मुझे ये वस्त्र प्रदान किया है मैं भी तुम्हें रेसिप्रोकेशन में दूंगा और इतना वस्त्र दिया और विशेषता द्रौपदी ने जो पुकारा भगवान को तो उसके द्वारा भगवान कहते हैं कि वो जो द्रौपदी की पुकार थी मेरे हृदय में गूंजती रह गई और उसके कारण मेरी उसके प्रति कृतज्ञता है वो बढ़ती ही जा रही है अभी भी बढ़ती जा रही है भगवान बता रहे हैं ना और प्रवपात लिखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र जो भक्त गाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे उस हरेक भक्त के प्रति भगवान की कृतज्ञता बढ़ जाती है बढ़ती ही रहती है तो हमारा इतना सौभाग्य है प्रभुपाद की कृपा से हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है लेकिन थोड़ा सा अगर याद रखें कि भगवान इसके द्वारा सुन रहे और कृतज्ञता अर्पण कर रहे ये थोड़ा सा अगर ज्ञान मार्ग पे यानी बुद्धि के मार्ग पर हम समझें बुद्धि के स्तर पे तो बहुत मदद हो सकती है तो द्रौपदी और दूसरा है जाम्बवान क्योंकि रामलीला में जाम्बवान और कृष्ण भी वो वनवास में थे तो अपने भक्तों के साथ कुछ अच्छा कुछ रेसिप्रोकेशन या कुछ भौतिक रूप से कर नहीं पाए थे क्योंकि वो तो वनवास में थे उनके पास कुछ संपत्ति वगैरह थी नहीं लेकिन वहीं जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो और समन्तक मणि के लिए जब जाम्बवान से लड़ते हैं सत्ताईस अट्ठाईस दिनों के बाद जब हार जाते हैं और राम का दर्शन देते हैं उनको तो उनको न तो वो मणि देते हैं जाम्बवान लेकिन जांबुवान की पुत्री को भी जांबवती को भी भगवान स्वीकार करते हैं अपनी अपने समान यानी पत्नी के समान और जांबुआन को अपने ससुर बना लेते तो हैं तो ससुर बहुत आदरणीय होते हैं ऊपर के रूप में तो भगवान ने ऊपरी रीति से भी उनको उच्च दर्जा प्राप्त करवा दिया अंदर से तो उनके लिए तो च्या बहुत ही आदरणीय थे क्योंकि इतने महान शुद्ध भक्त थे और यही जो कृतज्ञता है प्रहलाद महाराज अर्पण करते हैं अपने भगवान के प्रति प्रार्थनाओं में एवं जनम निपति प्रभवा हिपे कामा भी कामा प्रपतन प्रसंगान कृत्मसार कृत्मात्मसाशिणा भगवान गृहित सोहम कथम नु विसृजे तव भ्रुत्य सेवा इसकी जो लास्ट लाइन है सोहम कथम विसृजे तव भ्रत सेवा प्रपात ने इतने जगह पे कोट किया है अर्थात प्रभपात की इच्छा होती तो पूरा भी कोट करे लेकिन ये लाइन के ऊपर इतना जोर दिया है प्रोपात ने तात्पर्य सब पढ़ेंगे हम प्रात के तो हम देखते कितनी जगह पे आता है सोहम कथम न विसृजे तव भ्रत सेवम तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे मैं अपने कुकर्मों के द्वारा मैं कहा गिर गया था प्रभवाही कूपे अहि कूपे ऐसे जहरीले सर्पों की कुएं में और मेरी भौतिक इच्छाओं के कारण मैं यहाँ गिर गया था लेकिन आपके जो भक्त हैं नारद मुनि इन्होंने मुझे संग दिया मुझे इस कुएं से बाहर निकाला और मुझे भगवत भक्ति अर्पण की तो मैं अपने इस गुरु नारद मुनि के प्रति अपनी सेवा को भला कैसे छोड़ सकता हूँ या भूल सकता हूँ तो हालांकि आप मेरे सामने हैं लेकिन मैं चाहता हूँ मैं नारद मुनि की सेवा करूँ तो सोहम कथुम न विसृजय तव भृत्य सेवा कभी भूलना नहीं चाहिए जो भूल गया है भक्तों की हमारे प्रति जो सेवा हुई है तो वो वो क्या भक्ति हुई फिर एट ऑल भगवान के अनुसार तो नहीं है वो तो इसलिए हर एक भक्त के प्रति हमें आदर होना चाहिए उनके साथ शायद रेसिप्रोकेट कर ना पाए लेकिन कम से कम अनादर तो नहीं करना चाहिए उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करनी चाहिए ऐसे कुछ एक सीनियर भक्त हम जानते थे पहले तो जिन्होंने पहले कृतज्ञता जर्नल रहता था उनका ग्रैटिट्यूड जर्नल करके तो उसके दौर दौरान वैसे कुछ तो महीने में एक बार वगैरह कुछ तो लिखने का कि आपके कारण हमें भक्ति में ये ये वगैरह हुआ तो हमने भी शुरू किया था पुना में कुछ समय के लिए मुझे याद है मेरे पास है अभी भी उसका हार्ड कॉपी तो हम राधेश शंबर लिखते थे कि आपके कारण ये वगैरह वगैरह है ना लेकिन बाद में राधेश शंबर सोचा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इतना हमारा स्तर नहीं है करके तो इसलिए हमने बंद कर दिया वो लेकिन ये अंदर तो होना चाहिए ये जर्नल ये 24 फोर आवर्स होना चाहिए 24 घंटा यू नो कि ये भक्तों ने मुझे ये मदद की है और कर रहे हैं अभी भी अभी भी कर रहे हैं यू नो जैसे कोई भक्त गुजरता है इस कॉरिडोर से और वो गा रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो अगर हम कृष्ण कॉन्शियस है तो कितने आदर करेंगे ना अरे चार ही शायद शब्द सुने हरे कृष्ण हरे कृष्ण बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र के चार शब्द तो सुनाए है ना लेकिन हो सकता है कि हम वो चेतना में न हो हम सोचेंगे क्या है ना जोर से चल रहा है थोड़ा शांति से है ना नहीं लेकिन शांति से हम क्या कर रहे थे अशांति को अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे लेकिन ऐसे अशांति में कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र की शांति लाए या अशांति लाए तो और भी अच्छा है ना तो लेकिन उसके लिए एक विजन चाहिए ना वो एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड वो है तो ठीक है ब्रजवासियों का भी कृष्ण के प्रति इतना आदर और इतना कृतज्ञता था जैसे यशोदा माई गोपिया नंद महाराज सबके प्रति भगवान उनके सेवा में लगे हुए थे क्योंकि वो उनकी सेवा में लगे हुए थे वैसे ही अर्जुन भगवान के इतने शुद्ध भक्त तो इसलिए भगवान अर्जुन की भी सेवा करने के लिए वो रज्जुधर बन गए ना चैरिटियर और अर्जुन ने तो कहा था कि मैं अपने जीवन की डोरिया भी आपके डोरिया भी आपके हाथ में सुपूत कर रहा हूँ तो उसको स्वीकार कीजिए तो भगवान इसलिए उनको डांटे थे भगवत गीता की शुरुआत में महाभारत के युद्ध की शुरुआत में बोले अरे पहले तो तुमने बोला था कि ना तो मैं अपने रथ की डोरिया दे रहा हूँ लेकिन अपने जीवन की भी डोरिया दे रहा हूँ आपके हाथ में और अभी ये बोल रहे हैं कि द्रोण का क्या होगा या भीष्म का क्या होगा अभी ऐसे नहीं चलेगा तो फिर उनको आत्मज्ञान दिया भक्तिमय ज्ञान दिया और फिर वो फिर से बोले कि करिष्य वचनम तव आपके हाथ में फिर से मैं अपनी जीवन की डोरिया देता हूँ और रथ की तो है ही है तो इसलिए हम देख सकते हैं कि कृतज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है एक शिष्य होता है वो गुरु के प्रति कितनी कृतज्ञता रखता है तो जैसे चक्षुर उन्मिलितम ये ना जो अंधा व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके उसको चक्षु उसको आँखें देता है तो वो पहली बार कुछ तो जीवन में देख रहा है अच्छा ऐसा होता है यू नो कितना उसको आनंद आता है सब कुछ चीज़ें देखने में क्योंकि पहली बार देख रहा है तो वही दिव्य ज्ञान के द्वारा गुरु ने हमें चक्षुर चक्षुरुन्मिलितम वो प्राप्त करवा के दिया है लेकिन वो काफ़ी बार हम उस स्तर पर ना होने के कारण उसके प्रति कृतज्ञता नहीं रहती और हम यही खोजते रहेंगे कि गुरु के हमें प्रसाद नहीं दे रहे लंच सर्वे में उनको आना चाहिए सीनियर डिवोटीज़ को या ऐसे ऐसे आए तो अच्छा है नहीं आए तो है बाकी वक्त लेकिन यहाँ नहीं आ रहे सेवा करने के लिए इसका अर्थ नहीं कि सो रहे उधर वो कुछ तो सेवाएं कर रहे हैं ऐसी सेवाएं है कर रहे हैं जो आपके ऊपर डाली गए डाली जाए तो आप अंति हो जाए आपका दिमाग ही घूम जाए तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें किसी के प्रति भाव रखना चाहिए ना अपेक्षा नहीं करनी चाहिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम आशा करेंगे भौतिक आच्छा आशा तो दुख ही प्राप्त होगा लेकिन आध्यात्मिक इच्छा है आशा है तो उसके द्वारा सुख ही सुख प्राप्त होगा वो हालांकि पूर्ति हो ना हो लेकिन इच्छा है कि मैं अच्छे से जब करूँ भगवान मुझे थोड़ा मदद कीजिए तो ये इच्छा मात्र से हमें आनंद प्राप्त होगा भगवान आनंद दे देंगे और उसके बाद अगर महामंत्र का जप करें तो और भी आनंद आनंद प्राप्त होगा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये कृतज्ञता अर्पण करें प्रोपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि ओनली फूल्स आर अनग्रेटफुल टू देयर बेनिफैक्टर्स जो मूर्ख लोग हैं वही अपने जिन्होंने मदद किया है उनके प्रति कृतज्ञता रखते हैं कृतज्ञता नहीं रखते जैसे एक व्यक्ति था उसको कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रोग्राम में कार्यक्रम में जाना था तो जैसे बाहर आया घर के देखा अरे मेरे जूते किसी ने चोरी कर लिए तो इतना क्रोधित हो गया अरे कौन है वो लेकिन अभी कहाँ ढूंढते बैठे टाइम हो रहा है तो फिर ऐसे ही कार में बैठ गया बोले रास्ते में खरीद लूंगा कहीं तो कहीं से तो।, तो रास्ते में उसने देखा एक व्यक्ति जा रहा था जिसके पाव ही नहीं थे वो क्या कहते हैं उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर वो ऐसे लंगड़ते हुए जा रहा था अरे इसके तो पाव ही नहीं है जूते तो का तो सवाल ही नहीं उठता तो मैं क्यों इतना रो रहा हूँ मेरे जूते चोरी हो गए तो ना जूते तो खरीदे जा सकते हैं ये पाओ कहाँ से खरीदेंगे तो भगवान इतने दयालु है मेरे ऊपर मुझे पाव दिए है जूते हो ना हो वो, वो महत्वपूर्ण नहीं है ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पाव होना तो ऐसे अगर हर चीज़ को हम एनालाइज किया करें तो कितना भगवान की कृपा है भक्तों की कृपा है जैसे परम परमपूजा राधा महाराज एक प्रवचन में लिखते हैं बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति की पत, बेटी का विवाह करना था एक दूसरे व्यक्ति दोनों का शायद लव था प्रेम प्रकरण तो वो बोली कि मैं उनसे ही शादी करना चाहती हूँ तो अपने मित्र को भेजा इनके पिताजी ने कि ज़रा जाके देखो कि उसके पास कितना संपत्ति वगैरह क्योंकि मेरी पत्नी मेरी बच्चे बेटी का उसके साथ विवाह होने वाला है ना तो जाते हैं फिर वो और वो पूछते वगैरह आते हैं वापस बोलते है कितना संपत्ति उसके पास बोले उसके पास दो आँखें तो ठीक हैं तो हर आँख का अगर एक लाख रुपये भी लगाया जाए तो दो लाख तो हो गए फिर उसके हाथ है दोनों वो चंगे हैं अच्छे हैं तो उसका भी अगर लगाया जाए कम से कम दस बीस हज़ार रुपये तो ऐसे करके उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है तो ऐसे करके वो लखपति करोड़पति है <laughs> तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम्हारे बेटे की उसके साथ विवाह किया जा सकता है वगैरह है ना तो ये व्यक्ति दंग रह गए है ना तो हम इसी तरह से देखें कि भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया क्या दिया है उसको गिनना चाहिए क्या नहीं दिया है ये असत्संग के कारण ही समस्या हो रही है सब कुछ दिया है आपके कर्मों के अनुसार आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ दिया हुआ है जो नहीं दिया हुआ है वो आपके लिए है ही नहीं जो भी मेरे प्लेट में आया वो मेरे लिए जो आया ही नहीं वो मेरे लिए था ही नहीं है ही नहीं लेकिन ऐसा मन नहीं सोचता है नहीं, ऐसे कैसे अत्याचार कैसा सर्वर है ये हाँ इसको दिमाग है कि नहीं हाँ इसको दिया इसको दिया मुझे बीच में छोड़ा हाँ मुझे छोड़ा है ना ठीक है मैं भी देखता हूँ कल मैं सर्विंग करता हूँ स्वीट <laughs> और इसको नहीं दूंगा तो ये सब बदले की भावना के लिए नहीं हम आए रुक्मिणी देवी जब संदेशा भेजी थी कृष्ण को अपना प्रेम पत्र वो भी कैसे श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवताम थे आपके गुणों को सुनने मात्र से मेरा हृदय आपके प्रति आकर्षित है और मैं निर्लज होकर हालांकि एक अविवाहिता युवती को ऐसा नहीं करना चाहिए और वो भी एक पुरुष के प्रति लेकिन मैं निर्लज होकर ये कह रही हूँ कि मेरा हृदय आपके प्रति आकर्षित है तो कृपया मुझे दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए तो भगवान में भी वो ब्राह्मण के द्वारा पत्र प्राप्त कर भगवान आए थे तो जब आए वो ब्राह्मण मिलने रुक्मिणी देवी से तो बड़े आतुर थी वो तो उन्होंने जैसे ही देखा तो ब्राह्मण ने कहा चिंता मत करो भगवान ने आपका पत्र स्वीकार किया और वो आ भी गए हैं कल सुबह जैसे आपने बताया सब कुछ हो जाएगा करके है ना तो जैसे ही रुक्मिणी देवी ने देखा कि इतनी शुभ वार्ता है कि मैं भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगने वाली हूँ तो इन्होंने ये कार्य किया है तो मैं इनको क्या दूँ कृतज्ञ थी बहुत लेकिन कुछ था नहीं उनके ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा था उनके तो फिर उन्होंने तुरंत उधर एक दंडवत प्रणाम कर दिया कि कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए है ना और ये प्रणाम लक्ष्मी देवी जिसके सामने झुक जाए <laughs> तो क्या होगा उसका है कि नहीं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रणाम तो करें कम से कम रुक्मिणी देवी ने कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम किया तो हम प्रणाम करना भी छोड़ देते हैं क्योंकि कृतज्ञ न बन जाते हैं तो ऐसे एक इंग्लिश में बोलते हो कि द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड जो कृतज्ञता का भाव है उससे हमारी भक्ति की ऊंचाई तय हो जाती है तो कृतज्ञता बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर मैंने भक्ति यहाँ शुरू की थी यानी मेरी कृतज्ञता कम थी लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ असलियत में तो मेरी कृतज्ञता बढ़नी ही चाहिए नहीं बढ़ रही है तो मैं भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा हूँ हालांकि ऊपरी रूप से कितने भी मालाएं अर्पण क्यों ना हो मालाएं प्राप्त क्यों ना हो अंदर से कृतज्ञता कितनी बढ़ रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एनालाइज करना चाहिए इसको ठीक से देखना चाहिए नहीं तो फिर ऐसे भक्तों भक्तों के अंतर्गत रहना चाहिए जो हमें बताएं कि हम कितने पानी में हैं कितना भक्ति में कहाँ रहते हैं तो अगर करेंगे ऐसे कृतज्ञता और बहुत कुछ है मैं अभी लेकिन विराम देना चाहता हूँ हाँ तो कि कृतज्ञता बहुत ही महत्वपूर्ण है हालांकि मैं ये सब बोला हूँ ये सब प्रभुपाद के तात्पर्यों से प्रभुपाद ने अलग अलग, अलग जगह पे लिखा है तो मैं आप सबके चरणों में आशीर्वाद की मांग मांग करता हूँ कि मैं भी कृतज्ञ रहूँ इतने भक्त हैं कभी कभी हम भूल भी जाए शायद कभी किसी का मेल आता है प्रभु जी मैं एन आई वारंगल में आपके द्वारा वो इससे इधर अच्छा कौन पता नहीं कौन मतलब कृपया आपका फोटो भेजेंगे क्या मेल लिखना पड़ता है क्यों आई एम नॉट रिमेंबरिंग कितने वो कृतज्ञ हैं और हम भी कृतज्ञ हैं उनके प्रति क्योंकि उन्होंने हमें भक्ति में उजिनों में प्रेरणा दी भक्ति को स्वीकार कर कर तो हर किसी भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञता है उसको हम अदा ही नहीं कर सकते यानी कुछ नहीं कर सकते अपने चमड़ी को उखाड़ के उसके जूते बना कर हर भक्त के लिए प्रदान करें तो भी वो कम पड़ेगा तो कितना फिर आदर होना चाहिए अंदर हृदय में तो यहीं पर राम देना चाहता हूँ किसी का कोई प्रश्न है सुदामानाथ प्रभु बृज जी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आपने कृतज्ञता के बारे में बताया बृज जी अक्सर होता है क्या है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है और जब भक्तों के साथ संबंध अच्छा रहता है ताकि जो भी मैं चाह रहा हूँ वैसा ही वो भक्त कर रहा है तो मुझे उस भक्त के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना आसान रहता है लेकिन अगर कुछ हमारी कोई चीज़ें या कुछ परिस्थितियाँ हमारी इच्छाओं के विपरीत हो जाती हैं विपरीत चली जाती हैं तो उस परिस्थिति में उस भक्त के प्रति या उस स्थिति के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाता है सो हाउ टू मेंटेन ग्रैटिट्यूड इवन इन द सर्कमस्टांसिस और सिचुएशंस और इन द रिलेशंस विच आर एक्चुअली अगेंस्ट माय अगेंस्ट माय डिज़ायर्स तो ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए जो उनके बारे में और अधिक जानते हैं सीनियर डिवोटि कि वो उनको देखें अरे इन्होंने इतना इतना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है देखो इनके कारण इतना प्रचार हुआ ये हुआ कितने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं वगैरह और ये जो चीज़ है तुम जो मांग कर रहे हो जिसको वो नहीं पूर्ति कर रहे क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वो ऐसा बता सके ऐसे भक्तों के पास उनके साथ संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन हम किसी की सुनने ही नहीं चाहते ये बड़ी समस्या हो जाती हम अपनी ही इस पर अड़े रहते हैं कि नहीं मेरी माँ ये नहीं कर रहे तो इनको छोड़ के किसी और के अंतर्गत जाता हूँ वगैरह उनको मत छोड़ो लेकिन ये देखो कि उनके प्रति हमारा जो कृतज्ञता है बढ़ाने वाला कौन है असत्संग अच्छा हम कर रहे हैं अपने ही मन का अनियंत्रित मन जिसने बहुत गलत चीज़ों का संक है ना तो उसके कारण हमारा मन बड़ा अड़ा रहता है बंधु मनस्तस्य तो अनियंत्रित मन हमारा शत्रु हो जाता है ऐसे भक्तों के प्रति हम कृतघ्न होकर चले जाते हैं उनको दोष देते हैं फिर हमारा ही भक्ति में पतन हो जाता है और बाद में देखते हैं कि वो भक्त तो यू ना बड़ा ऊपरी रूप से भी भक्ति में उसको गुणगान कर रहे लोग तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी यानी हम फिर तब वापस आना भी मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए वो परिस्थितियाँ तो जैसे कोविड है अभी कोविड क्या हम नहीं चाहते कोविड बंद हो यानी उसका चला जाए हम क्या कर सकते हैं जो परिस्थितियाँ आ रही हैं हमारे ही कर्मों के अनुसार आ रही है इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए और हर कोई भक्त जो है जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करे तब तक वो वैसे कार्य कर ही नहीं सकता जैसे अभी हम हाथ उठा रहे हैं ये भगवान शक्ति दे रहे इसलिए उठा पा रहे भगवान ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे शायद गिरिराज महाराज बोल रहे थे कि एक बार आ, उनका हाथ सुबह उठे तो उनका हाथ में कुछ तो हो गया था जैसे पैरालिसिस जैसे तो वो जब करने के लिए माला में भी बेड बैग में भी हाथ डालने का मुश्किल हो रहा था है ना तो ऐसी समस्या आ जाती है तो भगवान ही सब कुछ चीज़ें सैंक्शन कर रहे हर कोई व्यक्ति भगवान के अनुसार ही चल रहा है हमें ऐसे देखना चाहिए है न जो भी हमारे जीवन में हो रहा है

उधर कुछ पत्ते हिलते हुए दिखाई देंगे आपको वो पेड़ के ऊपर मैं यहाँ से फूक नहीं मार रहा हूँ या तो आप मार रहे कोई वो भगवान हिला रहे उसको मद भयात वाती वातो यम भगवान चला रहे पूरे संसार को तो इसलिए अगर किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया मेरी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे भगवान की इच्छा है कि वो चीज़ मुझे प्राप्त न हो अभी के लिए क्योंकि मेरे लिए वो ठीक नहीं है तो जब ठीक हो तब भगवान दे देंगे उनके द्वारा किसी और के द्वारा तो किसी और को लाछन लगाने में दोष देखने में इसमें कुछ पॉइंट नहीं है यानी हमारी कृष्ण भक्ति की कमी है यानी हम भगवान को नहीं देख पा रहे कृष्णज हैंड इज़ इन्वॉल्व एट एवरी पॉइंट ऑफ अवर लाइफ ही इज ओनली द वन हु इज़ एक्टिंग वी आर जस्ट मेड निमित्त वे हम तो वैसे ही निमित्त के रूप में जैसी इच्छा है हर किसी के भगवान की शरण जाने की या भगवान से दूर जाने की उसके अनुसार उसको भगवान प्रेरणा देते हैं जैसे मैं पहले कह रहा था जैसे अबॉर्शन हो रहे ना ये भगवान के ही सैंक्शन से हो रहे नहीं तो उसका हाथ ही नहीं उठ सकता करने का क्योंकि उसने पाप किया है असत्संग किया है उसकी इच्छा है और पाप करने की तो भगवान जब सैंक्शन करते हैं उस जीवा जिवात्म, अन्य जीवात्मा के कार्यों के प्रतिक्रिया के अनुसार रिएक्शन्स के अनुसार तब तो वो कर पाते हैं नहीं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है अतः तो हमें प्रचार करना चाहिए और बताना चाहिए लोगों को कैसे पाप के द्वारा हम नरक जाते हैं वगैरह वगैरह और भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है लेकिन ये विजन बहुत महत्वपूर्ण है ना सच सचुर जन्म नाम अनते कपी आपने देवती माता बताती है कि कि बहुत जन्मों से मैं अंधकार में अज्ञान में फंसी हूँ लेकिन आप वो जो दिव्य चक्षु है मुझे प्राप्त हुए हैं जो आपकी कृपा से प्राप्त हुए और फिर मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप मुझे इस संसार के जंजाल से बाहर निकालो तो इसलिए गुरुवाणी की शरण लेनी चाहिए जिससे कि ऐसे हम कुछ दोष न देखते बैठे तो ये ताकत ये तो ज्ञान हो गया लेकिन दूसरा फिर भक्तों के संग में आके हरिनाम जप वगैरह करना है, भक्ति करना फिर जिससे वो शक्ति आएगी जिसके द्वारा जो इधर प्राप्त हुआ है बुद्धि में वो हमारे जीवन में आचरण में ला पाए हम इसलिए चैतन्य महाप्रु श्री चैतन्य भागवत में आ, कितने जगह पे बोले है भक्तों को कि ऑलवेज सर डिवोटीज एंड ऑलवेज चैंड हरे कृष्ण तो सर्विस करेंगे तो अपराध नहीं करेंगे जिस किसी भक्त के प्रति अपराध की भावना है तो उसकी सेवा की मैं सेवा करना नहीं चाहूँगा ऊपरी रूप से दिखाऊंगा सेवा कर रहा हूँ किसी अन्य कारण से लेकिन सेवा करने का भाव नहीं है अंदर तो अपराध नहीं करना चाहिए तो उसके लिए सेवा करना चाहिए समथिंग पॉजिटिव और फिर हरिनाम करना चाहिए तो अपराध नहीं करेंगे सेवा करेंगे तो ज्ञान देंगे भक्त हमें और फिर भक्तों के ही संग में उस ज्ञान को हम आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा के द्वारा शक्ति मिलेगी जिससे कि उसी स्तर पे हम भक्ति जारी रखें और ऊपर ऊपर तरक्की करते रहे ना कि ये कोसना वो कसना वो ठीक नहीं है वो मानसिक स्तर हो गया विशेषता एक ब्रह्मचारी के लिए बहुत डेंजरस है हुँ? क्योंकि जैसे राजान स्वामी महाराज कहते हैं किसी एक ब्रह्मचार्य ने ज्वाइन किया बोले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लोनलीनेस एकांत के <laughs> जीवन में आपका स्वागत है <laughs> एकांत का जीवन क्या है आप और आपका मन मन और आप आप और मन मन और आप आप और मन मन और आप आप और मन, मन, मन।, मन, मन। शुरुआत के कुछ दिनों में खाने पीने की इच्छा होगी बाद में वो सब चली जाएगी शक्ति बाद में मन के साथ खिलवाड़ होगी और मन ऐसा चटनी कर देगा तो इसलिए बहुत समस्या हो जाती है तो इसलिए मानसिक स्तर से बाहर आना बहुत महत्वपूर्ण है और ये मन किसके द्वारा बैक्टअप है फॉल्सिगो के द्वारा इसलिए इतना परेशानी कर रहा है अगर फॉल्सिगो निकाला जाए तो मन बहुत ही मासूम है बेचारा तो इसलिए बुद्धि बुद्धि के स्तर पर आना चाहिए और जो बुद्धि हमें भक्त प्रदान करते हैं जब हम उनके प्राणिपात परिप्रश्न सेवा करते हैं तब तो इसलिए जो सब शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसमें बहुत रुचि लेनी चाहिए और फिर भक्तों के संग में आके भक्ति करनी चाहिए जिससे कि हमारी ये जो सब समस्या है अनर्थ वगैरह सब है धीरे धीरे चले जाए और जब तक न जाए तब तक सुसमीक्ष माणो भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम ये मेरे ही कुकर्मों के कारण मुझे ये सब समस्या हो रही है और किसी को दोष देने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है वो नादानी है वो अज्ञानता है मैं दूसरों को दोष तो इसलिए वो वैश्यम में निर्घुण्य न सापेक्ष प्रॉपर दो बार कोट करते हैं चौथे भगवीता के परपोर्ट में भी चौथे अध्याय पांचवे में भी अभी चौथे में किया है पांचवे में क्यों कर रहे हैं और वो तो एक वेदांता सूत्र का कुछ तो नंबर है वो क्यों कोट कर रहे हैं क्योंकि उसके दो प्रिंसिपल है कि लॉर्ड इज़ नेवर अनफेयर एंड लॉर्ड इज़ नॉट क्रोयल वैषम्य ही इज़ नेवर अनफेयर वो कभी विषमता नहीं दिखाते और वो कभी निर्घुण नहीं कभी क्रूयल भी नहीं है कभी वो भी नहीं है क्या कहते हैं क्रूर भी नहीं है तो लॉर्ड इज़ वेरी मर्सीफुल एंड लॉर्ड इज़ फेयर तो ये सब भक्तों के द्वारा मेरे साथ वैसे व्यवहार हो रहा है। कभी भगवान मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे मेरे ही कर्मों के अनुसार सब कुछ हो रहा है, है। तो ये बुद्धि हमें भक्तों के द्वारा ही उनके ही संघ से प्राप्त होगी सो इट्स वेरी लेट विल एंड हियर रंथरा श्रीमद भागवतम की जय शिल की जय समवेत गौरव भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद